दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। अजमेर शुरू करते हैं डिवीजन। भागीरथ चौधरी जी, सांसद महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने आज हमारे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर आपने हमारे को बोलने का आपने अवसर दिया। मुख्यमंत्री जी, पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, पानी का कनेक्ट स्क्रीन पर नहीं आ रही, आवाज आ रही, आ रही बोलिए बोलिए। अच्छा मुख्यमंत्री जी, पहले तो ये कर्सी जींस पे जो आपने 2% जो ये सेस लगाया है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये इस प्रदेश के लिए और यहाँ के व्यापार के लिए कतई ठीक नहीं है। आपको बताया कि हरियाणा, गुजरात, जो मध्य प्रदेश है वह 0.5 और 105 प्रतिशत ये टैक्स है, अपन यह बढ़ा देंगे तो सारा व्यापार ये उधर से चल जाएगा। तो अभी काफ़ी हम 11 बजे से सुन रहे हैं और आपको भी शायद इसमें मेरा ये निवेदन है कि इसके ऊपर आपको संज्ञान लेना चाहिए, वापस इसको जरूरी है, नहीं तो व्यापार सारा इसे क्या कि जितने भी ये जो इसे सबसे बड़ा किसान सबके लिए तकलीफ जाएगी। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि जो आपको बताया लॉकडाउन हुआ है उसमें जो बिजली की बात है, मुख्यमंत्री जी जो बिजली की बात है बिलों की, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम 2 महीने के बिजली के बिल माफ होने चाहिए, चाहे किसान हो चाहे, ये बहुत जरूरी है। ये अब ये हालत है, मैं यार लघु उद्योग की बात करूं तो जैसे अप्रैल के अंदर है, अप्रैल के अंदर सारी इंडस्ट्री बंद रही है और उनके एवरेज के हिसाब से वो जो बिल आ रहे हैं, ऐसे जब फैक्ट्री बिल्कुल बंद रही तो एवरेज के हिसाब से बिल, और एवरेज के हिसाब से नहीं, जिनका 3 लाख रुपए का बिल आ रहा था उनके 5-6 लाख के बिल आ रहे हैं, तो इसको आपको दिखाने की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हो, आपकी तरफ से बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हो, पर नीचे तक जो सही जो ढंग से इम्प्लीमेंट होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा, इसको आप देखने की जरूरत है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो सब्जियां हैं, जितने भी किसान सब्जियां उगा रहे हैं वो सब्जियां लेके, जैसे हमारे यहाँ अजमेर सब्जी मंडी है, वहाँ सब्जियां लेके जाता है किसान, वहाँ सब्जियां ले जाता है, परंतु वहाँ जो थोक जो दुकानदार है वहां से सब्जियां लेके बाद में वो चाहे बाजार में है चाहे कहीं गए, उनको परमिशन नहीं मिल रही है, तो फिर औने दाम पर उस किसान को वो सब्जी बेचनी पड़ रही है। वहां सब्जी मंडी के अंदर जो हरेक नहीं, परंतु ऐसे व्यापारी जो वहां से खरीद कर और थोक में फिर दूसरी जगह जो बेचते हैं, उनको वो जरूरी है। आज ये किसान की सब्जियों, हर किसान की हालत खराब है और आपको बताया कि किसान की स्थिति वैसे इस लॉकडाउन इसके ऊपर आपको देखने की जरूरत है कि वहाँ सब्जी मंडी पे जो थोक व्यापारी है वो जाए, ताकि नहीं तो वो आड़तिया है, वो ये कह देता है कि ये तो 2 रुपए किलो है, तो वो क्या करे किसान, 2 रुपए किलो में उसको बेचना पड़ता है। एक ये मेरी आपसे निवेदन है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो जैसे अभी एक फोर व्हीलर में 3 जनों को अपन कोई लेके जा सकता है, वापिस वहां ड्राइवर जो आएगा तो क्या उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो 14 दिन वो क्या खाएगा, या उसको जो भेजने वाला 14 दिन तक उसको थोड़ी वेतन देगा, वो उसके ऊपर भी थोड़ा सी सोचने की जरूरत है। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि ये जो विद्यालय के अंदर अपने जितने भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ विद्यालय बंद पड़े हैं, वहाँ जो अनाज है जो बच्चों के लिए आहार के लिए वो यूं ही तो पड़ा है, उसको क्यों नहीं अपन जो राशन कार्ड आदेश, ये आपको जानकारी नहीं है, सारे आदेश जा चुके हैं और जो खुलने लगा है कुछ भारत सरकार से जो परमिशन मिली है कल परसों, उसके बाद में सब्जी वालों का, फ्रूट वालों का, मंडियों का, सबका धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, आप निश्चिंत रहे। मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपको बता, मैं खुद मैं किसान हूँ और खुद मैं सब्जी उगाता हूँ,
हकीकत यह है कि आज अजमेर सब्जी मंडी की बात करें, चाहे मेरे पास हमारे किशोर जी गढ़वाल है, उनका फोन आया था, 10 दफा आ गया, वो कह रहे साहब मेरे 1.5 क्विंटल भिंडी में रोजाना मेरे उतर रही है, मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ सिर्फ वो आढ़तिया जो सोच लेता है कि मुझे 5 रुपए किलो में लेनी है तो उसको छोड़ना पड़ता है, अच्छा वहाँ रुकने नहीं देते जो किसान लेके। मैं अब कहता रहा हूँ आपको, समझ नहीं रहे आप, कल से जो नए आदेश आए भारत सरकार के, उसके बाद में नए नए फैसले हो रहे हैं और इन फैसलों में पासिस बनने शुरू हो गए हैं। अब खाली थोड़ा दूर दूर खड़ा रहना पड़ेगा और मास्क लगाना पड़ेगा, बस दो बातें हैं, ठीक है। बाकी कोई समस्या लिख के दो, ये जो कॉन्फ्रेंस अपन बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं, कोविड-19 के लिए क्या कोई सुझाव हो तो दो आप। हाँ तो वो भी देते हैं, मेरा ये निवेदन है मुख्यमंत्री जी, आज सबसे ज्यादा समस्या है मिडिल क्लास को, जो मिडिल क्लास है वो स्वाभिमानी है, वो कह भी नहीं सकता हूँ मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी एक ज्वलन समस्या है, देश ने पूरी दुनिया में मानव के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। इस स्थिति में जो सबसे ज्यादा जो रोजाना कमाते थे खाते थे, जैसे नाई है, दर्जी है, खाती है, बातें सुन चुके हैं दिन भर। हाँ वो सुन चुके, आपने सुना नहीं क्या? नहीं आप सुन रहे थे दिन भर? नहीं, परंतु आज रिपीट में करो, रिपीट करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पर प्रधानमंत्री शाम को संदेश दे रहे देश को, मुझे पहले अपने सबको सुनना है। चलो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो बिशनपुर डैम बना है वो सबसे पहले अजमेर जिले के लिए बना था, परंतु दुर्भाग्य है आज अजमेर में जो ग्रामीण क्षेत्र में सात सात आठ आठ दिन से पानी जा रहा है और शहरों में 3-4 दिन से पानी आ रहा है, तो ये आने वाला समय गर्मी का आ गया है। तो मेरा निवेदन है आपको, देखिए अभी सतीश जी भाई साहब ने कहा कि निंदन थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा मुख्यमंत्री जी अन्नपूर्णा योजना है, जैसे पहले चल रही थी उस योजना को बंद कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है अन्नपूर्णा जैसे कोई आप दूसरी कोई ना कोई ऐसी योजना जो, ताकि इस तरह के कई जो हैं, आज मेरे पास फोन आया कि बिहार का एक व्यक्ति है, वो कुल्फी बेचता था अराई के अंदर, वो आसपास गांव में, वो कह रहा था मैं क्या करूं, मुझे कैसे वापस बिहार, वहाँ अब बिहार वाले मुख्यमंत्री जी अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी छोटे छोटे जो इस तरह के हैं ना, रेडी वाले हैं, चाय वाले हैं, जो इनकी बहुत बड़ी समस्या है, इनके ऊपर बहुत जरूरी है कि ध्यान दें। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मेरा एक मुख्यमंत्री जी, देखो हम 11 बजे से मेरा आपसे और निवेदन है, मैं केकड़ी शहर की बात कर रहा हूँ, मैं केकड़ी की बात कर रहा हूँ। अब दिया कुमारी जी आपके मेंबर पार्लियामेंट और ब्यावर से हैं, वो बोलेंगे। दिया कुमारी जी कहीं बैठे हैं? मुख्यमंत्री जी, केकड़ी शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ दूसरी जगह तो टेलीफोन नंबर दे रखे हैं कि भाई आप ही वहाँ सिर्फ केकड़ी में, केकड़ी में, हाँ केकड़ी केकड़ी बैठी हुई है, इसलिए सुना रहा हूँ मैं मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मैं आपके मार्फत मंत्री जी से, वहाँ ये स्थिति है, सिर्फ 4 दुकानें हैं जो किराने की और 3 डेयरी, सिर्फ उनको परमिशन दे रखी है केकड़ी शहर में, बाकी जबकि दूसरी जगह नहीं है। नियम तो एक होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। क्या बोले जी, पॉजिटिव केसेज आए हैं, पॉजिटिव केस आए तो कर्फ्यू लगाया और फिर सैंपल ले रहे हैं, एक दो दिन में सामान्य हो जाएगी। आप 3 डेयरी वालों को ठीक है। दूसरा मेरा आबादी क्षेत्र में आपने जो आइसोलेट किया है, हमारे यहाँ काइट विश्राम स्थली है, बहुत बड़ी है, वहाँ आबादी भी नहीं है, तो वहाँ करना चाहिए। हम शुरुआत से कह रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं कि भाई आइसोलेट वहाँ करो ना, ताकि अच्छा दूसरा मेरा ये और कहना है, 2440 रुपए जितने भी कोने जो हुआ है उनका 2440 रुपए खर्चा, सच्चाई है मुख्यमंत्री जी, आप अच्छे काम कर रहे हो, परंतु नीचे सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और नहीं मत बोलिए, सच्चाई सुननी दो मुख्यमंत्री जी को, यह हालत है, घर से ले जाके उनको भोजन दे रहे हैं,
2440 रुपए वसूल कर रहे हैं, उनको पानी के 80 रुपए पानी के लिए पैसा मरते हैं, वो सच्चाई है ये। तो इसलिए थोड़ा सा वो आपको एमपी साहब आपको गलत फहमी है, भारत सरकार का जो आया था सर्कुलर या जो यहाँ बना होगा उसमें लिखा है जरूरी तो मेरे खर्च करे, अपन जरूरी नहीं है वो, कोई घरों में लोग कोई दिक्कत नहीं है, घरों में रखने लग जाएंगे घरों में, अच्छा उल्टा अच्छा रहेगा वो कर रहे हैं बिल्कुल। धन्यवाद आपका। जय कुमारी बोलेंगे, जय कुमारी है नहीं यानी